देखिए क्या हुआ, ड्रोन का बेड़ा गर्क हो गया। तो ये है मिनी कोरलेस ड्रोन मोटर, मिनी ड्रोन भी इसी से बनाए जाते हैं और इसका आरपीएम बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो हमने इनको ऑनलाइन देखा तो हमने इनको मंगवा लिया। तो ये मुझे पड़े हैं टोटल 750 रुपीज की। तो आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इन मोटर से एक पैरा ड्रोन, और मैं नहीं जानता हूँ क्या ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, तो मैं भी आपके साथ ही इसको ट्राई करूंगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम सारे एक्सपेरिमेंट सेफ्टी के साथ, तो आप ऐसा कोई भी चीज कहीं पे भी ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा, जस्ट योर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। इसके लिए पहले मैंने एक शीट को कुछ इस तरीके से काट लिया। अब इसको साइडों से सैंड पेपर से हम कुछ इस तरीके से घिस देंगे। घिसने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और अब हम इसको साइडों पे कट लगा देंगे। इनका मकसद आपको आगे पता चल जाएगा। तो अभी हम इनको प्लेयर के जरिए दरमियान से तोड़ देंगे, इनमें हमारा मोटर्स आएंगी। अब हम 3.7 वोल्टेज का एक मोबाइल बैटरी लेंगे। अब हम इस मोबाइल बैटरी को टेप के जरिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे। तो अब हम अपने दोनों मोटर्स को लेंगे, तो ग्लू को हम जुगाड़ से लगाएंगे क्योंकि इस टाइम बिजली नहीं है। सब्सक्राइब। तो गाइस अब हम इन मोटर्स को ग्लू के जरिए मजबूत कर देंगे। तो गाइस अब हम इन मोटर का कनेक्शन करेंगे। इनका कनेक्शन बहुत ही ज्यादा आसान, दोनों मोटर के वायर्स को हम एक साथ मिला देंगे, तब ये बैटरी के करंट से अच्छी तरीके से चलने लगेंगे। तो गाइस अब हमारा ड्रोन बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, तो अब हम इसमें प्रोपेलर्स लगा देंगे। तो गाइस चलिए अब हम इसका टेस्ट लेते हैं कि क्या ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। तो मुझे भी इसके बारे में कोई भी चीज पता नहीं है, तो मैं भी आपके साथ इसको ट्राई करूंगा। तो चलिए अब हम इसका टेस्ट लेते हैं। तो मैंने इसमें दो वायर बाहर निकाल दिए हैं, जब उनको ऐसे करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से चलने लगेंगे। तो अभी हम इसका टेस्ट लेते हैं। तो अभी क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखते हैं। तो गाइस बहुत ही ज्यादा हैवी होने की वजह से ये नहीं उड़ पा रहा, क्योंकि मैंने इसमें दो बड़े बैटरी लगाए हैं और इन मोटर की क्या कसूर बेचारे, ये दो बैटरी को कैसे उठा पाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इनके बैटरीज को निकाल के तब हम इसको चेक करेंगे क्या ये उठता है या ये नहीं उठता। तो अभी हम इनको बैटरी को निकाल के देखते हैं। तो गाइस हमने इनमें वायर लगा कर इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया, और अब हम क्या करेंगे, तो गाइस अब हम इसमें एक धागा लगा देंगे कुछ इस तरीके से। मेरे पास है 4 कांटे। तो गाइस अब मतलब कि बैटरी की वजह से ये थोड़ा सा हैवी हो रहा था, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरीके से बांध दिया। तो अभी आप इसको देखो कि इसका पावर कितना है, क्या इसमें उड़ने वाला सलाहियत है या फिर नहीं। तो अभी आप देखो, तो गाइस अभी आप नीचे से देखो, तो गाइस अभी आप देखो कि ये अपनी फोर्स की वजह से उड़ रहा है, मतलब इसमें उड़ने वाला सलाहियत है। तो अभी आप देखो, और अभी आप फिर से देखो,
तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें उड़ने वाला सलाहियत है, मतलब कि ये नीचे की तरफ से फोर्स दे रहे तो ये ऊपर हो रहे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये अपनी पावर की वजह से उड़ रहे हैं। वाओ देखो गाइस, वाओ। तो गाइस आपने देखा कि हमारे ड्रोन ने मतलब कि पूरी तरह से वर्क तो नहीं किया, मतलब कि ड्रोन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ISC रिमोट कंट्रोल की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि वो अपने करंट को मतलब लिमिटेड को स्टेबल तरीके से प्रोवाइड करे और मोटर स्टेबल तरीके से आसमान में उड़े। तो ड्रोन के लिए बहुत ही ज़्यादा साइंस की ज़रूरत पड़ता है, तो इस तरीके से ड्रोन नहीं बनेगा। तो मतलब इसने पूरे तरीके से तो नहीं, मतलब थोड़े तरीके से इसने वर्क तो किया, तब भी हम ऐसे ही नहीं रुकने वाले। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह एक दिन हम एक ऐसा ड्रोन बनाएंगे जो कि आसमान में उड़ेगा। जी हाँ गाइस, वादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलता है तुझे ऊंचा उड़ाने। वाह 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 वा, क्या शायरी कही है। आदाब आदाब। तो गाइस एक सब्सक्राइबर लाइक से क्या होगा, तो जस्ट एक क्लिक ही तो करना है यार। तो इस क्लिक के लिए ना कोई पैसा लगेगा और ना कोई टैक्स लगेगा। तो गाइस आपके छोटे भाई का चैनल है यार, तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।